आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपके साथ मैं रचना बंसल। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस मिलते हैं और जो चर्चा का विषय बन जाते हैं। आज MS धोनी का एक वीडियो मुझे दिखाई दिया, मुझे लगा बिल्कुल मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। MS धोनी क्रिकेट के मैदान पर कमाल करते हैं और नए नए कीर्तिमान उन्होंने अपने नाम किए हैं। एक बड़ी जनसंख्या है जो कि महेंद्र सिंह धोनी पर जान न्योछावर करती है, उन्हें उनके बड़े फ़ैन हैं। MS धोनी बाइक के शौकीन हैं और ये बाइक का जो शौक़ है उनका, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पर इस बारे में बात भी कर चुके हैं। लेकिन MS धोनी का एक वीडियो है जो कि वेंकटेश प्रसाद ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है, और वेंकटेश प्रसाद जब MS धोनी से मिलने के लिए उनके घर पर पहुंचे तो उनके घर के अंदर का एक हिस्सा ऐसा था जो उन्हें चौंका गया। ऐसे में ये जो पूरा वीडियो है, कॉन्वर्सेशन जो चल रही है, महेंद्र सिंह धोनी हैं, वेंकटेश प्रसाद हैं और वेंकटेश प्रसाद के ज़रिए ही ये वीडियो ट्वीट किया गया है। कॉन्वर्सेशन से समझ में आ रहा है कि महेंद्र सिंह धोनी से जो बात कर रही हैं वो उनकी पत्नी हैं, और जिस तरीके से वो सवाल कर रही हैं, दरअसल यहाँ पर ये जो पूरा स्पेस है, एक ग्राउंड फ्लोर है जिस पर महेंद्र सिंह धोनी खड़े हुए हैं, और वहीं पर एक फ्लोर और बनाया गया है जहाँ पर बाइक्स लाइन से खड़ी हुई हैं। और अगर मैं गिनती करने जाऊँ ना, आप यकीन जानिए मैं गिनती कर नहीं पा रही हूँ, इतनी ज़्यादा बाइक्स हैं और इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ हैं और सब डिफरेंट स्टाइल की हैं। विंटेज कार भी इसमें हैं, अलग स्टाइल की बाइक भी इसमें हैं, कई देशी हैं और कई विदेशी हैं, अलग अलग मॉडल की हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पुरानी भी हैं। MS धोनी उन बाइक्स का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि वो मेरा ओल्ड कलेक्शन है, ये मेरा नया कलेक्शन है। और MS धोनी के साथ वेंकटेश प्रसाद हैं, और जब इस वीडियो में पूछा जा रहा है कि आप लोग कब यहाँ पर आए हैं, बता रहे हैं 4 से 5 बार आ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर पहली बार आए हैं। ये जो MS धोनी का सीक्रेट प्लेस है, या फिर ये कहिए जो उनका मन चाहा स्पेस है, वो पहली बार देख रहे हैं। फिर MS धोनी की पत्नी उनसे पूछती हैं, साक्षी, कि माही वाय, तुमने ऐसा क्यों किया है? तो MS धोनी हंसते हुए अंदाज में कहते हैं कि भाई तुमने तो मेरा सब कुछ ले लिया है, अब मेरे पास कुछ बचा नहीं था, ये एक ऐसी जगह है जो सिर्फ मेरी अपनी है। जिसमें वेंकटेश प्रसाद कहते हैं, भाई ऐसा कोई तभी कर सकता है जब बहुत ज़्यादा जुनूनी हो, किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा दीवानापन हो, और ये जो दीवानापन है महेंद्र सिंह धोनी का, वो इस वीडियो में नज़र आ रहा है। साक्षी कहती हैं, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे ये कोई शोरूम हो, ये पूरा का पूरा भरा हुआ है, यहाँ पर कोई स्पेस है नहीं। आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो, आप नीचे की तरफ देखेंगे तो, हर तरफ आपको बाइक गाड़ियां खड़ी हुई देखेंगे। और MS धोनी के चेहरे की जो चमक है, जो उनकी स्माइल है, बेहद सादगी के लिए वो जाने जाते हैं, लेकिन इस तरह के शौक रखते हैं, इतनी ज़्यादा तादाद में उनके पास बाइक्स हैं, गाड़ियां हैं, ये अंदाज़ा तो हमें भी नहीं था। हाँ, उनके फार्म हाउस की कई तस्वीरें सामने आती थीं, अलग अलग तरह के, अलग अलग नस्ल के घोड़े या फिर डॉग्स या फिर बाकी जानवर, भेड़ या खेती के शौक, ये सब पहले से चर्चा में रहे। लेकिन ये जो तस्वीर है, ये मैंने पहली बार देखी है, आपने भी नहीं देखी होगी, आज सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल है, तो आप भी ये पूरा वीडियो देखिए। Your first time? No, not at all. Okay. It's my fourth you? Time. No, fourth time? This is the fourth or fifth time, I think. My first time. I think it's probably the first time you're here with the legend. Okay. And but this is crazy. Okay. This place is crazy. Yeah. Any comments? You can't explain. You can't explain about this whole setup. The old lights. Any comments on this? Unless and until someone is mad about this, you can't. I take a video. बाइक शोरूम हो सकता है ये, जब बंद आता ना, तो बहुत बड़ा इट्स फुल जब ये बंद होता हम साक्षी बोलते थे माही वाय बड़ा नहीं बन रहा है वाय Because you took everything, so I needed to have something of my own. So this is the only thing you allowed. That also you wanted after the badminton court. I said, no, it will be before the badminton court. Which one? There's a badminton court on that. Oh, okay. Oh, God. No, this is crazy. There's no Someone needs to have there's no explanation. Hell of a lot of passion to do something like this, or to have something like this, I'm telling you. Mm. Otherwise. No, or someone has to be mad. Mad, I would say.